नमस्ते बालाजी हिंदी टैरों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 11 तारीख तक की। 5 से लेके 11 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल का गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स। सजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 11-11 का कार्ड आया है। बंदा आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है, इनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। कुछ अच्छा आपके रिश्ते में होने जा रहा था, कुछ अच्छी चीज़ें घट रहा था, हो रहा था, ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन करेंटली कुछ ऐसा हुआ, किसी बातों की वजह से कुछ ह्यूमिलिएशन किया होगा, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया होगा या फिर उन्होंने किया, कुछ ईगो का प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आप लोगों की रिश्ते में डिस्टेंस आ गया और एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो गया। इनको ये उम्मीद नहीं होता है कि जो रिश्ता उनको सोल कनेक्शन लगता था, ट्विन फ्लेम का रिश्ता लगता था, उसमें ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा आपको। साथ ही साथ ये बंदा इंतज़ार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का, लेकिन ये आपके तरफ जाए तो कैसे जाए। हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है या फिर इन्होंने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर इन्होंने किया है तो भी ये नहीं जा पा रहे हैं, और अगर आपने इनको ह्यूमिलिएट किया है, अपमानित किया है, तो भी ये नहीं जा पा रहे अपनी ईगो की वजह से। लेकिन बंदा सोच सोच के परेशान है कि इस रिश्ते में ऐसी स्थिति आया कैसे। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिश्ता है, ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है, ये एक स्टेबल रिश्ता था। इस रिश्ते में अगर शादी हुआ है तो भी ये रिश्ता स्टेबल है, नहीं हुआ था तो भी ये रिश्ता स्टेबल की तरफ जाने वाला रिश्ता है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने रिश्ते से मूव ऑन किया और उनको अपमानित किया। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन है, या तो ये बंदा खुद आपसे दूर गया, या फिर आप दूर रहते हो ये इंतजार कर रहा है आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल या मैसेज आने का। कहीं आपने उनको ब्लॉक तो करके नहीं रखा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। आप
खुद सजिटेरियस हो, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कोई जेमिनाई एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ये बंदा, मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है, द मून फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड, ये क्या चाहेगा? ये दुखी है, परेशान है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मेंटल कंफ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। ये चाहते हैं रिश्ते में कुछ काम करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, रिश्ते में मेहनत करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर क्या होगा, रिश्ते में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को परेशान करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब हो गया है जिसकी वजह से ये परेशान है। या तो आप परेशान हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये बंदा दुखी है, इनको लगता है कि आपने इनसे बातें छुपाई, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, माइंड गेम मैनिपुलेशन से दूर रहना चाहते हैं, खुद को शांत रख रहे हैं, अपनी एनर्जी को हाइड करके ये रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जब भी बात करने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जब भी बात करने जाते हैं झूठ पे झूठ बोला जाता है, जब भी बातें करने जाते हैं ये परेशान हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है भाई कुछ बोला ही नहीं जाए, अपने आप में रहो, खुद में खुश रहने की कोशिश करो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करो, परेशानी तो नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। और एक बहुत अहम बात यह है कि आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों के अलावा बहुत सारे लोग चले आते हैं बात करने, अगर ये कुछ कहने जाते हैं तो या तो आपके तरफ से या फिर उनके तरफ से कोई चले आते हैं, अगर आप बोलने जाते हो तो उनके तरफ से चले आते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आप दोनों के अलावा भी इस रिश्ते में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और जिसकी वजह से बात होते होते बात पूरी लड़ाई झगड़े तक चले जाते हैं। ये शुरुआत तो अच्छे से होता है बात करने का, लेकिन ये जो इसका जो आगे जाना, जब मतलब बात करते करते ये हाथापाई तक और बहुत बड़े झगड़े तक चले जाते हैं, बहुत लोग इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये अभी चुप रहना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ये। और अगर आप इनसे झूठ बोलते हो, माइंड गेम खेलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा शांत रहे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो ये क्या एक्शन लेगा। मैजिशियन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ कप्स, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, कोई ना कोई तो यहाँ माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है, इनको पता है कि बाय हुक और बाय क्रूक ये इस रिश्ते को ये सही कर पाएंगे, ये आपको बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक दे पाएंगे, ये आपसे माफी मांगेंगे, इतना कुछ ये सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि जो भी ये करेंगे ये खुद से ये कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी और की दखलंदाजी इसमें हो जाए तो रिश्ता खराब हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं शुरू से ही लग रहा था, अभी भी लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है रिश्ते में, कोई एक साइड जो है वो शादीशुदा है, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, नहीं है इन फ्यूचर में आपने सोच के रखा है तो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे।
लेकिन इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन की जगह ये रखना नहीं चाहते, ये खुद परेशान हैं। हो सकता है ये कुछ झूठ वगैरह बोलते हैं आपसे, या फिर अगर आप बोलते हो, माइंड गेम खेलते हो, मैनिपुलेशन करते हो, तो इन चीज़ों को ख़त्म करें। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राज़ी हैं, माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हैं, आपके तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, जो भी इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सजिटेरियस, आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा अपने सोच में। इनकी मजबूरी अगर आपको पता है, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो। अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो भी आप जानते हो, अगर आप इनसे शादीशुदा हो तो भी आप जानते हो कि इनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपके लाइफ में किसी एक, मतलब कोई एक साइड तो शादीशुदा है। तो फिर थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, थोड़ी बैलेंस तो करना पड़ेगा। देखो सक्सेस का कार्ड आया है, जो मेहनत कर रहा है उनको सक्सेस मिलेगा। ये बंदा मेहनत कर रहा है रिश्ते को सही करने के लिए, बंदा या बंदी जो भी है, रिश्ते को सही करने के लिए, अपने काम को सही तरीके से करने के लिए, हर तरीके से ये मेहनत कर रहा है, तो इनको सक्सेस मिलेगा। और आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इसके सर पे। ये इनको लगता है कि इनका कर्म इतना अच्छा है, इन्होंने इतना अच्छे कर्म किए हैं कि ये जो भी करेंगे इनके सर पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो करते हैं अच्छे कर्म। अगर इन्होंने आपके साथ झूठ नहीं कहा, माइंड गेम नहीं खेला, मैनिपुलेशन नहीं किया, इन्होंने अगर आपको सब कुछ सच बता दिया तो आपको भी ऐसा करना नहीं है। और ये अगर आपने नहीं किया तो इनको आपके साथ माइंड गेम खेलनी नहीं चाहिए। जिसने भी सही किया है उनको सक्सेस मिलेगा, और आपको खास करके सजिटेरियस, आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। जितना मेहनत आपने इतनी दिनों किया है इस रिश्ते के लिए, उसका परिणाम आपको सही मिलने जा रहा है। तो आप खुश हो जाइए और यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।